नमस्ते दोस्तों, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो आज हम कर रहे हैं 9.1.4 का पाथ, जिसमें हमको लेके जा रहे हैं टेक की टीम। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा पाथ है। तो इसमें हमने बोस लिया है ब्लैक विडो, और यार मेरे को ना ये वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा काम चला लेना यार। बाकी अब वीडियो रेगुलर और बहुत जल्दी डाला करूँगा। तो भाई मैं ना वॉरलॉक बस आइस मैन के लिए लेके आया था, क्योंकि भाई आइस मैन ना कोल्ड स्नैप डालता है जब भी फाइट स्टार्ट होती है, और भाई आइस मैन ना एकदम परफेक्ट काउंटर है वॉरलॉक के लिए। अरे यार मैं कह रहा हूँ वॉरलॉक एकदम परफेक्ट काउंटर है आइस मैन के लिए, मैंने उल्टा बोल दिया। और भाई ये हमारी जो फाइट स्टार्ट हुई है ना, तो इसमें आपको नोड्स बता दूँ पाथ में। पाथ में नोड्स हैं कि जब भी आप सामने वाले डिफेंडर को पैरी करोगे तब आपको फ्यूरी मिलेगी, और फ्यूरी तभी मिलेगी जब आपके ऊपर आर्मर अप होगा। जो टेक चैंपियंस हैं उनके ऊपर जब भी आर्मर अप होगा और वो पैरी करेंगे तब उनको फ्यूरी मिलेगी, और सामने वाले डिफेंडर की 20% पावर ड्रेन होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे करके खेलना पड़ेगा। और एक बात और है कि जब तक आप सामने वाले डिफेंडर के ऊपर सोक नहीं डालोगे तब तक वो डैमेज नहीं लेंगे। जब तक आप सोक नहीं डालोगे तब तक वो 20% का डैमेज लेंगे। जब आप उन पर सोक डाल दोगे तब वो 90% का डैमेज लेंगे एक्स्ट्रा फ्यूरी के साथ। ठीक है, तो आपको सोक डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी टीम देख ही सकते थे कि मैं इनफेमस, निमरोड और वॉरलॉक लेके आया हूँ, और गार्डियन। ठीक है, और भाई गार्डियन से हमने जो डोमिनो को पेला है ना अभी एंड की फाइट में, यार एक बार वो देखना फाइट, एक नंबर पेला हमने यार डोमिनो को गार्डियन की मदद से, और क्या ही पेला है। एक बार आपको मज़ा आ जाएगा देख के गार्डियन से जो डोमिनो को हमने पेला लास्ट में। और इस मैन वाली फाइट भाई थोड़ी ईजी हो सकती है वॉरलॉक अगर आप लेके आओ, क्योंकि भाई वॉरलॉक का बस आपको एक SP1 स्पैम करना है, और भाई वॉरलॉक खुद भी पावर ड्रेन करता है। और आप देख सकते हो कि मैंने 10 के 10 प्यूरी गेन कर लिया है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ SP1 स्पैम करा है, क्योंकि वॉरलॉक ना सिर्फ और सिर्फ SP1 पे ही सोक डालता है, बाकी किसी SP2 SP3 पे सोक नहीं डालता है। तो आपको बस SP1 ही स्पैम करना है वॉरलॉक का। तो अब अगली फाइट है हमारी बीस्ट के साथ। तो बीस्ट के लिए मैं निमरोड लेके आया हूँ, और निमरोड भाई बहुत अच्छा चैंपियन है। और भाई आप सबको पता है कि SP2 पे निमरोड भाई सोक डालता है पैसिव वाले, और उन पैसिव वाले सोक का डैमेज देखना आप जब मैं 10 फ्यूरी के साथ बीस्ट को मारूंगा, भाई एक नंबर डैमेज आएगा देखना भी आप। बस मैंने चार्जेस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और फ्यूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मेरे चार्जेस और फ्यूरी बन। देखो भाई 11,000 का डैमेज था बस 5 चार्जेस के अंदर। सोचो भाई अगर मैंने सारे चार्जेस होते 10 के 10 तो क्या ही डैमेज देता। और यार मैंने डेक्स करने रिवर्स कंट्रोल हो गया था, तो डेक्स करने के चक्कर में मार पड़ गई, फॉरवर्ड हो गया था। और भाई आपको ना बीच बीच में इनको पैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनके हटाना बहुत ज़रूरी है भाई, इनकी पावर ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको पावर गेन वाला बफ भी मिलता है। ठीक है, तो भाई अगर रिवर्स कंट्रोल के नहीं आते ना स्पेशल डेक्स करने तो आप ब्लॉक पे भी ले सकते हो। और वैसे बीस्ट को मारना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और मैंने यार गलती से इसका SP2 खा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बिना रिवाइव के तब भी हमने इसको निपटाया पूरे पाथ को। और देख सकते हो यार SP2 पे निमरोड क्या ही डैमेज दे रहा है यार, क्या ही डैमेज दे रहा है। और अब हमारी फाइट है पनीसर के साथ, और भाई पनीसर के लिए मैं इनफेमस मैन लेके आया हूँ। और भाई आपको सीधी से बात बताओ तो इनफेमस सिर्फ और सिर्फ अपने क्या नाम है कोम्बो का ही डैमेज देगा, स्पेशल का कोई डैमेज नहीं इनफेमस के। तो स्पेशल तो छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बस अपने कोम्बो चलाओ, क्योंकि कोम्बो पर इनफेमस सोक डालता है, और इसके सोक बहुत लाइट है भाई, बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। तो पनीसर से वैसे ही हमने फाइट निपटाई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्बो चलाओ, फ्यूरी गेन करो और कॉम्बो चलाओ। और मैंने SP3 छोड़ दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कितना डैमेज दे सकते हैं, लेकिन भाई कोई डैमेज नहीं मिलेगा इनफेमस से, क्योंकि स्पेशल के भाई ये सोक नहीं डालता, जब तक सोक नहीं डालोगे तब तक कोई डैमेज नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हो कितना ही कम डैमेज मिल रहा है, कितना ही कम। तो बस आपको कॉम्बो ही चलाने, और SP3 तो बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि ना यार SP3 के बाद सोक नहीं डलता, और भाई आपको और टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। और भाई मेरे साथ ना कुछ फाइटों में ऐसा हुआ कि डिफेंडर अपने ना देखो स्पेशल 3 पे पहुंच जाता था, या फिर SP3 पे पहुंचने वाला होता था, तो आप अगर पैरी करोगे तो पावर ड्रेन हो जाएगी। तो आपको पैरी करना बहुत ज़रूरी है अगर वो सामने वाला डिफेंडर SP3 पे पहुंचने वाला है तो। और भाई देख सकते हो मैं थोड़ा रिवर्स कंट्रोल में भी डेक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके, और भाई इसका SP1 थोड़ा डेक्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार वो थोड़ा रिवर्स कंट्रोल में दिक्कत आ जाती है, लेकिन लास्ट हिट में कर लेता हूँ, क्योंकि हमको रिवर्स कंट्रोल में बैकवर्ड नहीं जाना होता, फॉरवर्ड जाना होता है। तो बहुत ही इजी है, अगर इसमें मिस्टिक चैंपियन लेके आने होते ना टैक की जगह, तो जगरनॉट बहुत अच्छा काम करता है इस पूरे पाथ के लिए, लेकिन हमने इनफेमस से पाथ बहुत आराम से निपटा दिया है। और भाई इनफेमस निमरोड और गार्डियन ने जो भाई
पहले एना डोमिनो को, वो देख के आप चौंक जाओगे। और भाई इस पूरे पाथ में जिन फाइटों पे आपको दिक्कत आएगी वो फाइट है मैं बताता हूँ। पहली फाइट है येलो जैकेट की, इस फाइट पे आपको दिक्कत आ सकती है। और दूसरी फाइट है आपको डोमिनो की फाइट पे, अगर एक अच्छा सा काउंटर डोमिनो के लिए नहीं लेके आओगे। तीसरी फाइट पे आपको दिक्कत आ सकती है पनीसर। और चौथी फाइट ब्लैक कैट, ये भाई पूरे पाथ में दिक्कत आ सकती है क्योंकि नोट्स भी खतरनाक है और बिल्कुल परफेक्ट काउंटर चाहिए आपको ये फाइट करने के लिए। और भाई येलो जैकेट की फाइट्स एक नंबर पे रखूँगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये मुश्किल क्यों है ये फाइट, क्योंकि यार एक तो देख सकते हो कि मैं इस पर सोक डाल रहा हूँ, तो सोक का भाई एकदम नाम मात्र का डैमेज ले रहा है, नॉर्मल सा डैमेज, फ्यूरी गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एकदम नाम मात्र का डैमेज ले रहा है यार। और देख सकते हो जब येलो जैकेट के ऊपर 100 चार्जेस पूरे हो जाए ना इसके, तो इसका ओरा सा चलता है, उस ओरे के अंदर अगर आप इसको मारोगे तो भाई आपको पता कितना ही गंदा डैमेज ही हमको प्रोवाइड करता है। जितना हम डैमेज इसको दे चुके होते हैं ना उतना ही गंदा डैमेज ही हमको देता है अगर हम इसको हिट करेंगे। देखो ये ओरा स्टार्ट हो गया, ये ओरे में इसको ब्लॉक पर भी मत मारना, क्योंकि ब्लॉक पर भी मारोगे तब भी डैमेज आपको रिफ्लेक्ट होएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। इसके ना भाई ये येलो जैकेट की फ़ाइट में ये दो बार ओरा में गया है, निमरोड के साथ जब ये मैंने फ़ाइट करी ना तो इस फाइट में ये दो बार ओरा में गया अपने, और निमरोड को इसने ख़त्म कर दिया क्योंकि ना सोक का इतना डैमेज नहीं मिल रहा था। बीस्ट को कितना डैमेज मिला है और इसको डैमेज नहीं मिल रहा सोक का 10 फ्यूरी के साथ। और फिर भाई जो थोड़ा बहुत बच गया था उसको हमने इनफेमस के साथ ख़त्म करा है। अगर आप लोग इनफेमस लेके आओगे ना तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ना इनफेमस के आपको कॉम्बो ही चलाने हैं, उनका स्पेशल 1SP3 मत मारना क्योंकि उसमें वो सोक नहीं डालता है, वो अपने कॉम्बो में ही सोक डालता है, तो कॉम्बो का ही डैमेज लेंगे क्योंकि इनफेमस अपने फर्स्ट हिट और अपने लास्ट हिट में ही सोक डालता है जिससे ये डैमेज लेंगे। और देख सकते हो भाई ओरा में अगर स्पेशल छोड़े ब्लॉक पे भी कितना तगड़ा डैमेज मिलता है भाई। भाई येलो जैकेट डिफेंस में अच्छा है जब इसके चार्जेस पूरे हो जाए। भाई येलो जैकेट की फाइट में मेरे को दिक्कत आई है बस यार, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा भाई गंदा डैमेज दे रहा था। देखो पड़ गया SP2 रिवर्स कंट्रोल में और ख़त्म। अब मैं इनफेमस लेके आया हूँ, इनफेमस से अब हमने इसको निपटाया और मैंने सिर्फ और सिर्फ इनफेमस के कॉम्बो चलाया ताकि सोक लगे और इसको मैं डैमेज दे पाऊँ। और देख सकते हो भाई इनको पावर गेन वाला बफ भी मिल रहा है, तो पैरी बीच में करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैरी करने के बाद ही भाई इनकी पावर ड्रेन होगी। और देख सकते हो मैंने SP2 इसलिए बना के मारा क्योंकि भाई ये ना अपने SP3 पे पहुंच गया था, तो भाई मुझे मारना पड़ा वरना भाई ये ख़त्म था, मैं ख़त्म हो जाता भी। और भाई रैलिक अगर लेके आते हो तो बहुत हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि भाई रैलिक का इस्तेमाल करके वो इनफेमस के साथ आप उनकी पावर ड्रेन कर सकते हो बहुत गंदे वाली। और भाई इनफेमस का SP2 स्टार्टिंग में एक दो मार दो, क्योंकि अगर इनफेमस का SP1 आप SP2 मारोगे तब आपको फ्यूरी बहुत जल्दी गेन होगी क्योंकि इनफेमस अपने SP2 पे पावर ड्रेन करता है, ठीक है, तो फ्यूरी आपको बहुत जल्दी गेन हो सकती है। और ये फाइट ख़त्म, अगली फाइट भी चलते हैं। अगली फाइट है हमारे ब्लैक कैट के साथ, तो भाई ब्लैक कैट को हमने कम से कम 20-30% तक वॉरलॉक से पहुंचा दिया था, फिर ये फाइट भी भाई हम कर नहीं पाए सोलो, फिर मैं उसको लेके आया क्या नाम है इनफेमस को, फिर इनफेमस से हमने फ़ाइट निपटाई। और देख सकते हो यार ब्लैक कैट के ना थोड़े स्पेशल डेक्स करने मुश्किल हो जाते हैं रिवर्स कंट्रोल में, तो आप इसके सारे के सारे स्पेशल ब्लॉक पे ही लेना। और अगर वॉरलॉक लेके आ रहे हो तो ध्यान रखना, क्योंकि भाई जब भी ब्लैक कैट कुछ भी प्योरीफाई करेगी ना तब आपको डैमेज मिलता है यार। देखो डैमेज मिल रहा है बीच में, पता नहीं मुझे किस चीज़ का डैमेज मिल रहा है, और भाई यही डैमेज ले लेके ख़त्म हुआ हूँ मैं। बाकी आपको अगर वॉरलॉक ब्लैक कैट के लिए लेके आओ तो उसके थोड़े बहुत हीलिंग्स बोल्ड इसमें डाल लेना, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा कम रैंक का है या फिर उसकी पूरी हेल्थ बची है तो आप वॉरलॉक से ये फाइट पूरी आराम से निकाल भी सकते हो, लेकिन थोड़ा भाई टाइम लग जाएगा क्योंकि भाई ब्लैक कैट के स्पेशल डेक्स करना बहुत मुश्किल है। एक तो इसको पैरी कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इंटरसेप्ट इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब भी इसको इंटरसेप्ट करेंगे ये इवेड करती है, तो आप इसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते जब तक आप इसके ऊपर स्लो ना डालो। तो भाई वॉरलॉक लेके आओगे तो बस SP1 स्पैम करो यार, वॉरलॉक पूरा पाथ में अच्छे से काम आ सकता है अगर आप इसका SP1 स्पैम करो। और SP2 थोड़ा डेक्स करना इजी है ब्लैक कैट का, बस आपको रिवर्स कंट्रोल में पीछे ही जाना है, फॉरवर्ड जाके अगर रिवर्स कंट्रोल में पीछे ही जाना है तब जाके आपको स्पेशल डेक्स होएगा। और वॉरलॉक का मैंने SP3 इसलिए छोड़ा, मैंने कहा थोड़ी बहुत रीजेन कर ले, लेकिन इतनी रीजेन नहीं करी यार वॉरलॉक ने जितना मैंने सोचा था। मैं सोचा था SP3 मारूंगा थोड़ी रीजेन कर जाएगा और थोड़ा और हम सोलो निपटा सकते हैं फाइट, थोड़ा और डैमेज दे सकते हैं, लेकिन यार सोलो नहीं हुआ, मैं ब्लॉक का डैमेज लेके ही मर गया SP1 का। ये देखो SP1 का ही ब्लॉक का डैमेज लेके मर गया मैं। और अब हम इनफेमस लेके आए थे और भाई इनफेमस का आपको पता सिर्फ कॉम्बो ही चलाना है, और ये फाइट मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करी है। आप देख सकते हो इनफेमस का कॉम्बो ही चलाओगे तभी सोक लगता है, नहीं तो इनको सोक नहीं लगेगा। और देख सकते हो जब भी पैरी करोगे इनकी पावर ड्रेन होगी, तो मैं SP2 इनफेमस का इसलिए बना रहा हूँ
क्योंकि एसपी 2 में जब इसको मारूंगा ना ब्लैक कैट को, तब इसकी भाई पावर ड्रेन होएगी और मेरे को फ्यूरी जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो भाई इनफेमस लेके आओ तो कोम्बो चलाना है, और वॉरलॉक लेके आओ तो एसपी 1 चलाना है, और अगर निमरोड लेके आओ तो एसपी 2 चलाना है, ठीक है। अगर ये तीन चैंपियन, और गार्डियन से तो आप कुछ भी चलाओ, एसपी 1 एसपी 2 आराम से देख लेगा। और अब हमारी फाइट है डोमिनो के साथ, और भाई अब जो गार्डियन ने डोमिनो की बैंड बचाई है ना, देखो भाई मुझे भी नहीं पता लगा कि गार्डियन ने डोमिनो पे ये परमानेंट सोक कैसे डाला। भाई गार्डियन इतना अच्छा चैंपियन है, वीकन भी है मेरा भाई साहब, एक नंबर चैंपियन है ये टैक में, और आर्मर अप करता है भाई, फ्यूरी गेन करता है, ऑटो ब्लॉक करता है, एक नंबर चैंपियन है यार। मेरे को गार्डियन बहुत पसंद है, और सीधा मुझे 7 स्टार में मिला, मेरे को 6 स्टार में भी नहीं था ये मेरे पास, सीधा की सीधा 7 स्टार में मिला। 2 SP1 के बाद जो मैंने SP2 मारा ना भाई, डैमेज देख के अब हैरान हो जाओगे। डोमिनो सबसे मुश्किल फाइट थी, मुझे लगा था अब मेरा रिवाइव लगेगा, और भाई यार गार्डियन भाई एक नंबर चैंपियन है यार, एक नंबर। पूरा पाथ आप गार्डियन के साथ आराम से निपटा सकते हो, क्योंकि परमानेंट सोक डालता है। और भाई मुझे पता नहीं डोमिनो पर ये परमानेंट सोक कहाँ से लगा यार, जिससे इतना गंदा डैमेज ले लिया इसने एक SP1 से ही। देख सकते हो मैंने इसको 60% तक पहुँचा दिया सिर्फ और सिर्फ एक SP1 पे। तो इसका SP1 आप ब्लॉक पे लो, और SP2 आप डेक्स कर सकते हो बहुत ही आराम से। देखो डैमेज, देखो भाई डैमेज, क्या ही डैमेज है यार, क्या ही निपटाया भाई गार्डियन ने इसको। भाई मज़ा आ गया गार्डियन के साथ ये फाइट करने में, और मैंने ये फाइट फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करी, क्योंकि इतनी जल्दी कंप्लीट होगी यार ये फाइट इतनी जल्दी। भाई गार्डियन भाई एक नंबर चैंपियन है यार, एक नंबर। मैं सोच रहा था कि अपना SP2 छोड़े तो मारूँ, इसने छोड़ा, अब गई ये, गई ये मारा और ख़त्म। भाई क्या ही गार्डियन प्लेयर है यार, मज़ा आ गया भाई गार्डियन को इस्तेमाल करके। अब चलते हैं बॉस फाइट पे, तो बॉस हमने लिया है ब्लैक विडो। तो इस बॉस फाइट में आपने क्या करना है भाई, अगर आप कंप्लीशन कर रहे हो ना तो इस बॉस को लेना, और इस बॉस को आप बहुत ही आराम से निपटा सकते हो वॉइड के साथ, 5 स्टार वॉइड भी इसको बहुत ही आराम से निपटा सकता है। तो बस आपने ना क्या करना है, वॉइड के 2 पेट्रीफाई ब्लैक विडो के ऊपर लगाने हैं, और डिस्टेंस बना के रखना है, और ये गई। क्योंकि भाई सारे जितने भी रीजनरेट इसके ऊपर आएंगे ना, सारे के सारे पेट्रीफाई लगने के बाद डीजेन में बदल जाएंगे। और भाई वॉइड से हमको मार पीटी है, इसने हमको 1% में पहुंचा दिया था, लेकिन यार क्या ही डीजेन का डैमेज था ना, जिससे हम बच गए। और जब भी अपना स्पेशल यूज़ करेगी ना, ये अनस्टॉपेबल होएगी, और ये होएगी इवेड मिलेगा, इवेड का बफ मिलेगा इसको, और अनस्टॉपेबल हो जाएगी कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन बस आपने कुछ नहीं करना, एक पेट्रीफाई लग गया, बस आपने एक काम करना है, इसको मारना नहीं है, बस 2 पेट्रीफाई कैसे भी करके इसके ऊपर लगा दो, और ये ख़त्म है फाइट। और देखना इसने मेरे को कॉर्नर कर दिया था, तब भी मैंने ये फाइट कैसे आराम से निपटाई है, ठीक है। तो कॉर्नर इसने मुझे कर दिया, लेकिन तब भी मैंने फाइट बहुत आराम से निपटाई है। अभी देखो 2 पेट्रीफाई लग गया, अब बस खत्म, आप कुछ नहीं करना, इसके ऊपर रीजनरेट आने दो, बस इसके ब्लॉक पे मारो थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस बस अब जितने रीजनरेट इसके ऊपर आएंगे उतना ये डीजन करेगी, बस यार कुछ नहीं करना आपने, बहुत ही आराम से फाइट कर सकते हो अगर आप कंप्लीशन कर रहे हो तो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। वैसे किसी और साइंस चैंपियन के साथ आप ये फाइट आराम से कर सकते हो, साइंस चैंपियन सिल्क काम आ जाएगी भाई, स्कॉर्पियन काम आ जाएगा, लेकिन भाई वॉइड इसको पिघाल देगा भाई, पिघला देगा इसको पूरा। और भाई वॉइड से ये फाइट इतनी आराम से होगी ना, बस 2 पेट्रीफाई लगाने अपने, सिर्फ दो पेट्रीफाई, और डिस्टेंस बना के रखना, और ये पिघल जाएगी पूरा। देख सकते हो भाई इस पर अभी एक भी पेट्रीफाई नहीं लगा, लेकिन इस पर फियर ऑफ वॉइड लगा हुआ है, ठीक है। वो फियर ऑफ वॉइड ही भाई सारे डीजेन को डीजेन में कन्वर्ट करता है, और एक पेट्रीफाई हो रहा है, और भाई आपको डीजेन मिलेगा। देख सकते हो कैसे इसकी हेल्थ जा रही है, और ख़त्म फाइट, ख़त्म फाइट आराम से निपटा दी वॉइड से, आपको बस 2 पेट्रीफाई लगाने और ख़त्म फाइट। वैसे कोई भी साइंस का चैंपियन काम आ जाएगा, और ये पाथ की वीडियो हमने आपके लिए बना दिया, तीसरे पाथ की भी ले आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।